पहला दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज हमारा ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमने हिंदूपुर में गाड़ी खाली करी थी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है और करीब बेंगलोर के 90 किलोमीटर पास में है। तो दोस्तों हमें आधी गाड़ी खाली करके जाना था, आधी गाड़ी खाली करने के लिए चेन्नई। तो अभी हम रस्ते में हैं, यानी कि कर्नाटक में। तो दोस्तों कर्नाटक में आपको पता है डीजल थोड़ा सस्ता है, तो हमें वहाँ से डीजल भी लेना है। तो अभी हम एक रस्ते में रुके हुए थे चाय वगैरह पीने के लिए, शीशा वगैरह साफ करने के लिए। तो यहाँ पर चाय पी के फिर निकलते हैं और कहीं बड़ा सा पंप देखेगा तो हम वहाँ से डीजल लेंगे। तो दोस्तों हमारा चेन्नई जाने के लिए रूट रहने वाला है चिंतामणि कोलार के आसपास पड़ता है ये, और वहाँ से चित्तूर से सीधा राजीव गांधी समाधि होते हुए जाएंगे हम चेन्नई। तो यहाँ पर रुके थे दोस्तों चाय वगैरह पीने के लिए और शीशा वगैरह साफ करने के लिए, और चलते हैं फिर चाय पीने। और आगे कहीं बड़ा सा पंप मिलेगा तो वहाँ पर अपनी गाड़ी में भराएंगे तेल। अब देखेंगे कितने का भराएंगे, क्योंकि हमारा गाड़ी चेन्नई से लोड होगा और चेन्नई में तेल महंगा है। तो वहाँ से फिर सीधा निकलते हुए अपने निकल जाएंगे यूपी की तरफ। तो सिंगल रोड से हम आ चुके हैं हाईवे पर और ये सीधा रोड जाएगा चित्तूर से चेन्नई के लिए। तो देखिए सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ है चेन्नई 250 किलोमीटर और चित्तूर 85 किलोमीटर। तो दोस्तों अभी हमने सोचा है कि फिर हम अगर हाईवे पर आ ही गए तो यहाँ पर फिर खाना बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पनीर रखा हुआ है वो 2 दिन से रखा हुआ है। तो भाई ने इधर अपनी सारी तैयारी कर दी, प्याज काट दिया, टमाटर काट दिया, पनीर को देखो इस तरह से मसल दिया, तो इसकी पनीर भुर्जी बनाएंगे। और अभी जब बन जाएगी जब आपको दिखाएंगे कि कैसी बनी पनीर भुर्जी। और भाई ने ना भाई हलवाई का काम किया हुआ, तो भाई आज रोटी बनाएंगे। ठीक है भाई, पहले भुर्जी मैं बनाता हूँ, तुम्हें पता नहीं है ना कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है इसलिए। दोस्तों हमारी रोटी सब्जी बनके हो चुकी है तैयार। तो ये इस टाइप की हमारी रोटी बनी है, देख सकते हैं। भाई ने थोड़ा ज़्यादा मसल दिया था तो थोड़ा वैसा हो गया पतला सा, और ये रोटियाँ घी लगा के। तो चलिए दोस्तों खाना खा लेते हैं, खाना खा के यहाँ से निकलते हैं और सुबह तक हमें पहुँचना हराल में। क्या पता वहाँ नो एंट्री है या नहीं है, ये तो हमें नहीं पता। तो बाकी ये है कि हमें पहुँचना है। दोस्तों रुके थे एक इंडियन पंप पर, यहाँ से ले रहे हैं हम तेल 30,000 रुपये का। तो 30,000 वो और कुछ हमारी गाड़ी के अंदर है, तो उससे काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ रेट में थोड़ा सा डिफरेंट है, रेट में डिफरेंट है जी। यहाँ पर 89 रुपीज़ का रेट दिखा रहा है, लेकिन आज से 3 महीने पहले 87 का था। यहाँ बोल रहे 3 महीने पहले हाईएस्ट रेट 100 रुपये बढ़ गया है, पर ठीक है जो भी है, 15 से तो कम ही है। सुबह के 5 बज गए देख सकते हैं, और अभी तो देखिए हम चेन्नई से 91 किलोमीटर पीछे हैं। और यहाँ पर एक चाय की दुकान थी तो चाय पीने के लिए रुके थे। तो अब की बार ना हमें कुलदीप भाई ने इतना गलत मार भरा दिया कि अनंतापुर का बोल के उससे भी 80-100 किलोमीटर आगे गए थे, और चेन्नई का बोल के भी चेन्नई से 90-91 किलोमीटर साइड में खड़े हुए हैं। तो मतलब यहाँ से 10-20 किलोमीटर और जाना है, वो भी साइड में। तो भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ बोल के माल कभी नहीं भराना चाहिए। आइए चलो चाय वगैरह पीने चलते हैं। यहाँ पर चाय की दुकान सुबह सुबह खुल जाती है, 5 बजे तो आराम से खुल जाती है। तो चलो भाई चाय पीते हैं यहाँ पर पहले। टाइम हो गया 5:52 और हल्का हल्का सा दिन निकलने लगा है, और मैं अभी जस्ट पहुँचा हूँ फैक्ट्री पर। ये सामने फैक्ट्री है, और खाली के लिए तो दोस्तों 9 या 10 बजे पता चलेगा कि क्या प्रोसेस रहने वाला है। और दोस्तों जब हमारी गाड़ी लोडिंग का बात होता है ना, तो यही बात होता है कि भाई चेन्नई जाना है, बेंगलोर जाना है, पुणे जाना है। ऐसा नहीं होता कि 100 किलोमीटर आगे जाना है या 100 किलोमीटर पीछे जाना है। तो अभी हमारा हम जहाँ खड़े हुए हैं ना, तो यहाँ से चेन्नई देखिए करीब मैप में आप देख रहे होंगे 100 किलोमीटर है, और पांडुचेरी आपको पता चेन्नई से कितना आगे है, तो यहाँ से 75 किलोमीटर है जो कि आप मैप में देख रहे हो। तो भाई हमारे साथ अब की बार फ्रॉड हुआ है, मतलब कुछ भी कह लीजिए। लेकिन देखिए मैंने उनसे बात भी की थी कल कि भैया ये आपने क्या किया, आपने कहाँ का माल बताया था चेन्नई का और कहाँ हम भेज रहे हो लोकेशन के हिसाब से। कह रहे यार ऐसा होता है, मैंने ऐसा होता तो है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि 100-100 किलोमीटर आगे जाए। तो उन्होंने मुझे माल बताया था सनमाइका प्लाईवुड बताया था, देखिए क्या निकला था पेपर रोल। तो ये भी गलत है यार, बंदे को झूठ बोल के आप भेज देते हो, ये गलत है। मेरे साथ ये पहली बार नहीं हो रहा, कई बार हो चुका है। कुलदीप भाई हमारा कुछ माल बताते हैं और कुछ वहाँ जाके निकलता है, क्योंकि भाई अगर गाड़ी 60-70 किलोमीटर भरने जाएगी तो फिर वापस तो आएगी नहीं, और भाई कहीं का बताते हैं और कहीं जाना पड़ता है। टाइम हो गया करीब 10 बजे का, और देखिए हमने गाड़ी पर लगा दिया है और त्रिपाल बस ऊपर से पीछे कर दिया है, और बाकी तो ऐसे ही खाली हो जाएगी बोल रहे हैं लोग। तो यहाँ पर देखिए 4 लिफ्ट है वो वाली, उससे खाली होगी, तो ये पीछे लेके आ जाएंगे ऐसे खाली हो जाएगी। तो ऐसे खोल दिया हमने, तो चल रहे भाई चाय वगैरह पीने के लिए गेट से बाहर। बाहर चाय पीने गए थे, वहाँ तो कोई दुकान मिली नहीं, तो यहीं पर वर्कर लोगों की जो चाय बनती है वही निकल के जा रहा था, उससे ले लिया है। और दोस्तों एक भाई की कमेंट आई थी 2 वीडियो पहले, उसमें लिख रहा है भाई तू सोच समझ के बोला कर। तो भाई मुझे इतना बता दो मैंने क्या बोल दिया उसमें, मैंने दो बार देख ली, मुझे तो कुछ लगा नहीं उसमें कि मैंने ऐसा कुछ गलत बोला है किसी की बहन बेटी के बारे में किसी के लिए। तो मैं तो नॉर्मली ब्लॉग ही बनाता हूँ, तो भाई अगर मेरे बोलने से आपको कोई दिक्कत है तो 10-20 लाख रुपये मेरे मुँह पर मार के ना मेरा जुबान बंद कर दो और मैं बंद हो जाऊँगा। अगर आप ऐसे ही बोलोगे तो फिर तो मैं बोलता रहूँगा, क्योंकि मुझे बोलने का ही पैसा मिलता है YouTube से। ठीक है, तो भाई ऐसा सोच समझ के कमेंट किया करो, बाकी कमेंट किया उसके लिए थैंक यू।
तो दोस्तों अभी गाड़ी हमारी खाली हो रही है, लोडिंग का भी बात चल रहा है, एक मथुरा का एक नोएडा का, लेकिन हो जाए वो समझो कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तीन ट्रांसपोर्ट से बात चल रहा है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं गाड़ी खाली होने का भी और माल का भी। अपना गाड़ी खाली हो गया, खाली करके काटा करा के इधर लगा दिया पार्किंग में। अभी यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है तो जा रहा है नहाने के लिए, और कंपनी के अंदर इसीलिए खड़ी कर रखी है कि यहाँ पर नहा लेंगे, नहाने की सुविधा मिल जाएगी, बाहर जाएंगे तो कहीं मिलेगी नहीं, और पहुँच वगैरह सब मिल गया। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत गर्मी ज़्यादा है, बेशक बादल हो रहे हैं, क्योंकि हम खड़े हैं समुद्र के किनारे, जो कि आप मैप के जरिए समझ लीजिए कि समुद्र बिल्कुल किनारे ही है। तो चल रहे हैं भाई नहाने के लिए, नहाने के बाद यहाँ से फिर लोडिंग का प्रोग्राम बन रहा है, जो भी कन्फर्म होगा पक्का होगा उसी पर चले जाएंगे। अभी एक मानेसर का बन रहा था 1,00,000 रुपये में, लेकिन मैं गया नहीं, तो मानेसर भाई ज़्यादा उधर पड़ जाता है, उधर से फिर खाली आना पड़ेगा, पहली बात NCR है, दूसरा फिर खाली आना पड़ेगा। नहा धोकर आ चुके हैं और आने के बाद हमने बना दिया था खाना। खाने में देखिए हमने टमाटर चटनी बनाई है, क्योंकि हमारे पास और कोई सब्जी थी नहीं, और इधर रोटियां बना दी हैं, तो आज यही खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अपने हाथ का तो बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ भी बना लो। और दोस्तों शाम तक फिर हमें यही रुकना है, क्योंकि जब तक लोडिंग कन्फर्म नहीं होगा तो हम जाएंगे कहाँ, उसके बाद अगर देखेंगे शाम को क्या करना है। वैसे एक मथुरा का माल बोल रहा है, वो बोल रहा है कंफर्म होगा तो मैं बताता हूँ, तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। टाइम हो गया शाम के 7:47 और हम खाना खा के सो गए थे, आप सबको पता है। तो दोस्तों हम अभी उठे हैं थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर बाहर गए, चाय पानी की दुकान तो है नहीं, तो एक लेबर वाला गया था, उससे दूध ये बिस्किट मंगा लिए, तो अभी चाय बना रहे हैं। और दोस्तों हमारा माल कन्फर्म हो गया मथुरा का, तो रेट तो अच्छा लगा है, और यहाँ से भरने भी हमें 100 किलोमीटर पांडुचेरी जाना है। अगर ऐसा पता होता तो हम कल कर्नाटक से डीजल क्यों लेके आते, पांडुचेरी में तो और भी सस्ता है, पांडुचेरी में 84 रुपये लीटर डीजल है। तो चलिए अभी होना था वो तो हो गया, क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा माल कंफर्म हुआ है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो अभी हमने आपको बता दिया, और अगले ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि क्या माल है और कितना रेट है। तो दोस्तों अभी यहाँ से हम करीब 9 बजे निकलेंगे, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है रोड पर, तो अभी चाय वगैरह बना के पी लेते हैं, बिस्कुट वगैरह खा लेते हैं, शाम को थोड़ी देर बाद कहीं चावल वगैरह बना लेंगे। तो दोस्तों ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जाना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए प्यारी सी बाय बाय एंड टेक केयर।